अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद होगा कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, घर करिए होंगे। तो आज मैं अपने साइट का पूरा रिव्यू दिखाऊंगा और बने रहिएगा हमारे वीडियो में आखिर तक। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाता हूँ कि क्या काम हुआ है, कैसे काम हो रहा है। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा क्या क्या काम हो रहा है मेरे साइट पे। प्लम्बर का काम होता है, सब्बाक का काम होता है, बिजली का काम होता है, पेंट का काम होता है, और राजगीर का काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है, जो भी यार लाउंडर जो भी काला है, टाइल का काम सारा मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे और चलिए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं यहीं से चालू कर देता हूँ। जैसे कि मैं अभी बाहर निकला हूँ तो आप देख सकते हैं बाहर ये भाई अभी सफाई का काम कर रहा है। तो अभी हो रहा है चारों तरफ सफाई और ये आप सामने देख सकते हैं ये बना है मनहोल, इसको बोलते हैं आरपी में, जो ये बाथरूम का जो पानी आता है वो पहले इसमें गिरेगा, फिर उसमें से पाइप लगा है जाने के लिए टंकी में। और सामने आप देख सकते हैं जनरेटर मेरा ख़राब यहाँ रखा है और ये सब्बाक का काम हुआ है और एल्युमिनियम भी लगा है खिड़की का। तो ऐसे ही ऐसे ही हमारे ये साइड पे काम होता है। ये देखिए खिड़की, तो चलिए सामने दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह है और ये भाई अभी साफ़ कर रहा है, पूरा इधर से साफ़ करेंगे हम लोग। और साफ़ करने के बाद पूरा इसको क्लीन करके पूरा लेवल करेंगे, फिर उसके बाद से क्वालिटी आ जाएगा इसमें। अभी काम जो है अंदर का ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को कि अंदर भी कैसे काम हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर भी काम हुआ है। ये पूरा ऊपर हम लोग डिकोर लगाए हैं, जो जिंक आता है चादर, तो इसको हम लोग लगा दिए हैं। रूम में भी सारा फाइनल हो गया है। नीचे आप देख सकते हैं टाइल भी लग चुका है सारा और खिड़की भी लग चुका है एल्युमिनियम का, आप देख सकते हैं। तो ऊपर का डिकोर आप देख सकते हैं। तो ये अभी सारा सामान इधर से साफ़ करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद से हम लोग इस काम को इस्तलम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे काम हुआ है। जो भी काम हुआ है बस फिनिशिंग हुआ है, अच्छा हुआ है। थोड़ा टाइम लगा है हमारे काम में लेकिन अच्छा काम हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये है बाथरूम, तो पीछे अभी टाइल बाकी है, कल लगा देंगे। तो इधर अभी सारा बाकी है ध्यान, ये वो पेंट हो जाएगा उसके बाद से लगेगा। इधर भी अभी टाइल थोड़ा बाकी है, इधर पहले टाइल लग गया था आदमी तोड़ दिया है, देख सकते हैं। देख सकते हैं कैसे टाइल टूटा है, तो फिर उसको रिपेयरिंग कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, पूरा आगे मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया रूम, आप देख सकते हैं इस रूम में खिड़की भी लग गया है, टाइल भी लग गया, सारा चीज़ हो गया कंप्लीट। इधर भी देख सकते हैं ऊपर डिकोर लग गया है, जैसे कि ये भी रूम अभी फाइनल हो गया आप देख सकते हैं। और इधर एल्युमिनियम पूरा फेंका हुआ है। हम आ गए बड़े बड़े रूम में, ये रूम बना है जो आदमी इधर रहेगा उनके लिए, इसमें वो अपना गेमिंग वूमिंग जो भी होगा खेलेंगे, कैरम बोर्ड वगैरह ला के रखा जाएगा पूरा। तो इस गेम खेलने के लिए बनाया गया है ये रूम, देख सकते हैं। तो इसमें सारा खिड़की भी लग चुका है, पूरा फाइनल हो गया है काम। और ये वीडियो खास करके मैं बना रहा हूँ अपने महमूद भाई के लिए, जो हमारे महमूद भाई मक्का में रहते हैं। वो बोलते हैं अपने साइट का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि सोचा मैं अपने महमूद भाई को दिखा दूँ वीडियो। तो देखते रहिएगा और आप लोग भी देखते रहिए हमारे साइट पर कैसे कैसे काम हो रहा है, और बने रहिएगा अंत तक और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं फिर दोबारा आ गया हूँ बाहर। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी आदमी आ गए, ये जो जिंक पड़ा नीचे ये उठा के लेके जाएंगे उधर। इधर तो सारा डिकोर का काम हो गया है। चलिए अभी सामने देख सकते हैं ये पूरा ये पड़ा है सरिया, ये हटा के सूरा हटाएंगे। ये सामने हो गया एक छोटा सा मस्जिद माशाल्लाह, तो आप देख सकते हैं इसमें भी टायर लग गया है, डिकोर का काम हो गया है। और ये है मस्जिद, जो आदमी इधर रहेंगे उनको नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया एक छोटा सा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
तो सामने आ जाइए, ये दिखा रहे हैं, ये सेकंड हारिस का, जिसमें जो गार्ड बोलते हैं, ये गार्ड वालों के लिए रूम बना है। ये भाई देखो कैसे लेके जा रहे हैं जिंक, और वो भाई भी लगा है पाकिस्तानी। और सामने ये भाई है मेरा मसरी, ये भी फोरमैन है हमारे साइड पे। तो ये सारा अभी भर रहा है मिट्टी, पूरा ये गड्ढा मारे थे हम लोग दीवार खड़ा करने के लिए, अभी आप देख सकते हैं। चलिए आ गए हम लोग गार्ड वाले रूम में, तो इसमें भी जिंक का काम हो गया है, बिजली का काम भी सारा फाइनल हो गया है। जब ये पेंट पूरा हो जाएगा तो बिजली का ये पूरा ढक्कन भी लग जाएगा और लाइट भी लगा देंगे। तो इधर भी खिड़की लग चुका है गार्ड वाले रूम में, देख सकते हैं। इधर भी डेकोर का काम हो चुका है, ये भी एक रूम है छोटा सा, इधर भी काम फाइनल हो गया है। तो चलिए आगे दिखाते हैं, ये हो गया मतबख यानी किचन, एक छोटा सा इधर किचन हो गया, और सामने हो गया ये बाथरूम। बाथरूम में भी थोड़ा काम बाकी है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो चलिए बाहर मैं निकलता हूँ, दिखाता हूँ। और ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं, मैं कई बार वीडियो इसका बना चुका हूँ, ये गेट मैं बनाया हूँ और बना के पूरा फिनिश कर दिया हूँ गेट को, तो आप देख सकते हैं। तो इधर बीच में आएगा गाड़ी, गाड़ी इधर रुकेगा और ये पूरा पाइप लगेगा, गाड़ी धुल धुल, ये भी सारा इधर साफ करना है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा गेट, इधर गाड़ी आएगा, बीच में रुकेगा, धुलने के बाद फिर गाड़ी आगे निकल जाएगा। तो इधर हो रहा है बिल्डिंग का काम, तो आप देख सकते हैं। इधर हम लोग बना रहे थे दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा अभी हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं मैं कैसे दरवाज़ा बनाया हूँ। और ये दरवाज़ा का भी काम चल रहा है सनफरे का, तभी इसको रेक मार लगा के ग्लेंडर में और इसको साफ़ कर रहे हैं, और साफ़ करने के बाद इसको हम लोग करेंगे पेंट। तो आप देख सकते हैं इधर दो दरवाज़ा है, और इधर ये बनाया हूँ इसका हल्क, और ये दरवाज़ा हो गया मेरा फिनिश। इसको सनफरा करके अच्छी तरीके से इसको मैं पेंट करूँगा, पेंट करने के बाद इसको मैं लगाऊँगा। तो जब इसको मैं लगा दूँगा ना, उसके बाद से दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है काम। तो बाहर आप देख सकते हैं, इधर भी एक काम हो गया है रसीफ का, इधर हो गया है सारा कंप्लीट, इसके ऊपर आएगा खज्जान। और सामने भी आप देख सकते हैं, ये स्टैंड जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, स्टैंड ऊपर रख दिए हैं बर्मिल, और इधर अभी काम बाकी है थोड़ा फिनिशिंग का। तो इधर सामने देख सकते हैं, इधर खिड़की भी लग चुका है। ये सामने आपका आ गया मकतब, जिसको हम ऑफिस बोलते हैं, तो ये सारा अभी साफ़ होगा। इधर देख सकते हैं कितना कचरा हुआ है, काम फाइनल हो जाएगा तो ये पूरा साफ़ करेंगे हम लोग। तो इधर अभी देखो, ये हमारे भाई लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं ऊपर, जो छत का काम होता है डेकोर का, तो ऑफिस में भी डेकोर का काम चल रहा है। पीछे तो मैं दिखाया हूँ आप लोगों को, वो पीछे काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी इधर काम चल रहा है डेकोर का। तो इधर भी नीचे डेकोर रख दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इधर आ जाते हैं रूम में, ये ऑफिस का जो रूम है वो है। तो इधर अभी देख सकते हैं, इधर अभी डेकोर लगाना बाकी है। इधर आप आ जाएं, इधर हो गया हमाम, तो देख सकते हैं ये हो गया बाथरूम। तो बाथरूम में अभी पूरा सीट उट लगाना बाकी है, इधर सीट आएगा इंग्लिश वाला। तो इधर खिड़की भी लग चुका है एल्युमिनियम का। तो देख सकते हैं कैसे हमारे भाई ऊपर चढ़े हैं और ऐसे ही काम करते हैं। यार काम करना इधर बहुत मुसीबत है, तो चलिए अभी मैं आ गया हूँ फ़िलहाल बाहर।
इधर बाहर भी अभी देख सकते हैं कितना कचरा हुआ है, इधर ये सारा सफाई दफाई होगा, सफाई होने के बाद कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अभी आ चुका हूँ, ये बोलते हैं इधर स्टोर रूम, तो मैं आ चुका हूँ इधर, देख सकते हैं कैसे काम हुआ है। इधर भी नीचे का काम पूरा फाइनल है और ये दरवाज़ा भी लग चुका है, इधर थोड़ा सा बाकी है, इधर डालेंगे बाद में कंक्रीट, और दरवाज़ा भी इधर लग चुका है। ये दरवाज़ा अभी पेंट करना बाकी है, इसको ब्लैक में, इसको ब्लैक पेंट मारेंगे हम लोग। तो दरवाज़ा हमारा हो गया है कंप्लीट और बाहर से कुछ ऐसा हुआ है कंप्लीट, तो अभी अंदर से मैं दिखाऊंगा। बने रहिएगा हमारे वीडियो में आखिर तक और देखते रहिएगा। तो दूसरे तरफ आ गए, आप देख सकते हैं दूसरे तरफ भी दरवाज़ा हमारा लग चुका है। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी अंदर और दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हो गया अंदर, पूरा सामान वामान इसमें रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा हो गया, ये सामने आजिल हो गया, तो ये दरवाज़ा सारा लकड़ी का बन के आया है बाहर से, तो ये रखा हुआ है इधर। जब ये दरवाज़ा भी लग जाएगा, सारा काम हो जाएगा फिनिश, तो मैं दिखाऊंगा। तो सामने चलिए आ गया मैं फ़िलहाल अभी, ये देख सकते हैं कौन सा तरीका है, इधर कोई पानी नहीं रहता है तो हम लोग ट्रेला से पानी भर के लाते हैं और इसमें भर के रख देते हैं और इसमें से निकाल निकाल के काम करते हैं। ये सामने खड़ी है गाड़ी, तो आ गए अभी आखिरी फिल्ले पे, जहाँ इसको बोलते हैं ये जो घर बन रहा है, ये जो इधर का मुदीर रहेगा। तो ये जो मुदीर लोगों के लिए बन रहा है, ये मुदीर हैं दो पाकिस्तानी जो इधर देखभाल करेंगे मुर्गियों के लिए, और मुर्गी का डॉक्टर भी हैं ये दोनों। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों आके इधर रहेंगे, अभी तो आए नहीं हैं वो लोग, अभी फ़िलहाल में वो रूम बाहर है उन लोगों का, तो बाहर बैठे हुए हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा काम फिर इधर आएँगे, और सामने आप दिख रहे हैं इधर सारा मुर्गी रहेंगी, और मुर्गी जब रहेंगी इसमें तो वो लोग इधर रहेंगे, वो दोनों डॉक्टर हैं और मुर्गियों का इलाज करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है मुर्गियों लोगों को तो इलाज करते हैं। तो सामने आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अभी प्लम्बर का काम हो रहा है इधर, ये अभी हम लोग गड्ढा मारे हैं जेसीबी से और प्लम्बर का काम भी हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये दीवार पर पूरा अभी प्लास्टर होना बाकी है। तो प्लास्टरा के लिए अभी पूरा अंदर ये लोग मिजान कर रहे हैं, तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ अंदर से भी कि वो लोग कैसे मिजान कर रहे हैं, यानी लेवल कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ अंदर, तो अंदर आप दीवार पे देख सकते हैं धागा, ये धागा अभी लाइन मारे हैं और इसको लेवल कर रहे हैं, एक तरफ से मिजान करके और लेवल करके फिर इसको प्लास्टरा करेंगे। तो चलिए सामने मैं आ गया, अभी देख सकते हैं ये एक छोटा सा हमाम यानी बाथरूम, अभी इधर प्लम्बर का काम बाकी है। चलिए इधर भी सामने मैं आ गया, ये सामने देख सकते हैं ये हो गया किचन, किचन बड़ा है, ठीक है जो भी है बढ़िया है। और ये सामने एक और हो गया बाथरूम, तो इसमें दो बाथरूम हो गया और दो आदमी ही रहेंगे बस, और सामने प्लम्बर का काम अभी हुआ है इसमें। सामने देख सकते हैं ये हो गया एक बड़ा सा रूम, तो इस रूम में दो खिड़की लगेंगी, ऊपर भी काम अभी चल रहा है, ये जो लेबल कर रहे हैं ना अभी। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे रूम में कैसे ये लोग लेबल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं लेबल, ये दोनों भाई हमारे हैं मसरी, ये दोनों अभी कर रहे हैं लेबल। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी लेबल कर करके इसको फिनिश कर देंगे, फिनिश करने के बाद इसको करेंगे पूरा सफैया, और इधर सफैया जो होता है भाई पूरा लेवल से होता है, और मिजान में अगर थोड़ा भी फ़र्क हो तो ये पास नहीं होता है। तो सामने देख सकते हैं ये मसरी और सेटरिंग का काम कर रहा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं हमारे साइड पे सारा काम होता है। तो इसी के चलते मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सलाम वालेकुम।